आधार कार्ड बेहद अहम दस्तावेज है और हर जरूरी कागजी काम में आधार कार्ड का होना जरूरी है। हर कोई आधार कार्ड बनवा रहा है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पर एक कुत्ते का आधार कार्ड बना दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। अरे अरे चौकिए नहीं, ये सच है। तस्वीर में आप जिस कुत्ते को देख रहे हैं उन्हीं का नाम टॉमी सिंह है और यह आधार कार्ड भी उन्हीं का है। ये कुत्ता आधार कार्ड की नामांकन एजेंसी के सुपरवाइजर का है और सुपरवाइजर ने इसका भी आधार कार्ड बनवा दिया था। पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को अपने कुत्ते का आधार कार्ड बनवाने के आरोप में 30 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक भिंड के उमरी स्थित एक आधार पंजीकरण एजेंसी की मदद से कुत्ते टॉमी सिंह का आधार कार्ड बनवाया गया। आधार कार्ड पर टॉमी सिंह के पिता का नाम शेरू सिंह दर्ज है। टॉमी सिंह की जन्म तिथि 26 नवंबर 2009 दर्ज है। पुलिस ने बताया कि वो आधार पंजीकरण एजेंसी के सुपरवाइजर आजम खान से पूछताछ कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या खान ने कई और दूसरे जानवरों का भी आधार कार्ड बनवा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये मामला तब सामने आया जब उमरी के कीटी गांव के एक निवासी आधार कार्ड बनवाने में आ रही मुश्किलों की बात कहकर आजम खान की एजेंसी के खिलाफ शिकायत की। इस व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि खान की एजेंसी कुत्तों और दूसरे जानवरों का आधार कार्ड बनवा रही है, लेकिन उन्हें परेशान कर रही है। उमरी के टाउन इंस्पेक्टर आर एस तोमर ने बताया कि आजम खान पर फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज किया गया है। आधार से जुड़ा ये कोई पहला फर्जीवाड़ा नहीं है। इससे पहले राजस्थान में बजरंग बली के नाम पर भी आधार कार्ड बनवाए जाने का मामला सामने आ चुका है। वहीं झारखंड और गुजरात जैसे बीजेपी शासित प्रदेशों में राज्य सरकारें गायों का आधार कार्ड बनवा भी रही है। हालांकि आधार कार्ड कई विवादों से घिरा रहा है। अभी बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने आधार कार्ड से जुड़ी एक सुनवाई में निजता को बुनियादी अधिकार घोषित किया है। इससे पहले लाखों आधार कार्ड धारकों की निजी जानकारी एक प्राइवेट वेबसाइट पर भी लीक हो गई थी। हालांकि केंद्र सरकार आश्वासन देती रही है कि आधार का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को जरूरी बना दिया है। 12 अंकों के आधार कार्ड में धारक की आंखों की रेटिना और 10 उंगलियों के निशान होते हैं। आधार कार्ड पर आवास और जन्म तिथि भी दर्ज होती है। हालांकि कुत्ते का आधार कार्ड बनवाने का मामला कुछ महीनों पुराना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आधार कार्ड के लिए कुत्ते की अप्लाई की गई थी आधार कार्ड बनाने के लिए, तो सरकारी एजेंसियों ने इसे क्यों नहीं रोका और आधार कार्ड क्यों रिलीज कर दिया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।